तो चलो भैया, अब समझ रही हूँ कि भेंट घाट। तो भैया बैठो आप लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा शुभ प्रभात और नमस्कार पहला। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आ गई हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने रसोई से और आप लोग देख सकते हो अभी आटा मेरा गूंथ गया है और सब्जी बन रही है सैठल की और बच्चों को मुझे अभी तैयार करना है और सुहाने आप लोग देख सकते हो आज खुद ही तैयार हो गई है और उठ भी गई है, मैंने इसको उठाया भी नहीं, तो इसकी मूड की बात है। और ये कब उठ जाती है, कब अपने कपड़े पहन लेती है, ये मेरी क्यूट सी। तो गाइस अभी बना रही हूँ बच्चों का लंच और बच्चों को जाना है स्कूल। तो दिखाएंगे आप लोगों को आज काम धाम मेरा क्या होने वाला है दिन का। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और तब तक मैं करती हूँ अपने काम धाम क्योंकि अभी सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलो और मिलेगा आपको वीडियो बाद में, देखेंगे आप देखना वीडियो और दिखाती हूँ आप लोगों को क्या बनता है। तो आज हमने बनाई है कटहल की सब्ज़ी, आप लोग देख सकते हो, और मैंने इसको तरी नहीं बनाया इसमें ज़्यादा और बस थोड़ा सा मसालेदार बना रखा है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा लगता है कटहल की सब्ज़ी अगर अच्छे से बनाओ तो आप लोग देख सकते हो बहुत टेस्टी बना है। वही बस मसाला इसमें डालना है और ये जो कटहल है उसको पहले तेल में तल लेना है थोड़ा देर, उसके बाद मसाला को भूनना है, मसाले में इसको पकाओ अच्छे से, बस बन गया सब्जी। तो भी बनानी है रोटी फटाफट, बच्चों को भेजना है स्कूल और चलो तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आज फिर से कितनी धुंध हो गई है और अभी जा रहे हैं सौम्य स्वामी स्कूल। तो ये देखो, अरे बाप रे, वो धुंधी धुंध और बहुत भयंकर वाली धुंध हो रखी है क्योंकि लगता नहीं था कि धुंध पड़ेगी फिर से। कल परसों तो इतनी गर्मी हो गई थी, ऐसा लगता था इतनी तेज़ गर्मी आ गई है और आज फिर से मौसम ने लिया अपना रंग बदल। तो चलो, ओहो कुछ भी, ओ उधर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सौम्या। और यहाँ पे देख सकते हो लोग सारे काम करके अभी आ रहे हैं और इन लोगों की होगी शायद रात की ड्यूटी, तो ये लोग अभी आ रहे हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, बस यहाँ पे गाय दिख रही है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलो, हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं जा रही हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि आज मेरे मम्मी पापा आ रहे घर पे, तो अभी जस्ट उनको लेने जा रही हूँ और दिखाऊंगी आप लोगों को। चलो, और यहाँ देख सकते हो आप कितनी सारी गाय यहाँ बैठी है और आज यहाँ पे मौसम बहुत धुतला सा हो रखा है, धूप नहीं है। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ और देखती हूँ, उधर रोड बन चुकी है दूसरी, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से अंदर चले। तो मैं अभी जा रही हूँ लेने और बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत दिनों बाद मम्मी पापा आ रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि 2-3 साल तो हो ही गए हैं जब से नहीं आए वो लोग, लेकिन आज आ रहे हैं। तो चलो दिखाएंगे आप लोगों को और आप लोग वीडियो में बने रहना। चलते हैं और बाकी सुबह का काम आधा हो गया है और किधर से आ रहे हैं ये लोग, चलो हम लोगों को दिखाते हैं। और ये दिखाते हैं आपको, ये है गुड़गांव धनवापुर फाटक जहाँ से सूरत नगर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ही तगड़ा सब काम चल रहा है और सारा बंद हो रखा है। तो चलो, कहाँ पे है दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे भी रोड बंद है ना, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से जाएं अंदर। तो ये देखो, ये लोग कैसे बैठे हुए हैं सब, और ये है
तो ये देखो ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये कब बनाएंगे है? नमस्ते जी, नमस्ते, ठीक हो? ये तो कब से बन रहा है, बढ़िया। और ये देखो हमारी मम्मी जी भी आ रही है ठुमक ठुमक कर, इतना बड़ा झोला। तो आ चुके हैं और स्वागत है मेहमानों का हमारे घर में, वेलकम। अरे तो ये आ गई है मेरी मॉम, हेलो करो मम्मी, हेलो तो बोलो। अरे मम्मी हेलो तो कर दे एक बार। हेलो हेलो। तो चलो भैया अब समझड़ियों की भेंट घाट। तो भैया बैठो आप लोग, स्वागत है आप लोगों का बहुत बहुत। तो ये आ चुके हैं, ये फोटो हो गई, ये वीडियो हो गई। तो चलो आगे दिखाते हैं आप लोगों को, इनकी सेवा पानी करते हैं हम थोड़ा। तो गाइस अभी बन गया चाय और ये देख सकते हो आप, मम्मी पापा भी बैठे हैं और गप सप हो रही है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, 2-3 साल बाद आए मम्मी पापा घर पे, सो हैप्पी एंड बहुत खुश हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है जब मम्मी पापा लोग कोई भी आते तो कितना अच्छा लगता है। तो चलो आगे आप लोग वीडियो में बने रहो। तो गाइज बन गई है चाय चाह बन गई चाह। तो अभी मेहमानों को पिला रहे हैं हम चाय, देख सकते हो आप लोग। और ये मेहमान बड़े थके हुए हैं तो इनका चाय पीने का ज़्यादा ही मन हो रहा था, मैंने भी भर भर के बना दी और हम भी पी रहे हैं। सौम्य स्वानी भी आ गए स्कूल से, क्या लाए सौम्य? ले आए ना, ये देखो बेकार सी चीज़ ले आए उठा। हेलो फ्रेंड, तो अभी बन रहा है मेरा खाना और आप लोग देख सकते हो दाल पालक बना रही हूँ और एक सब्जी सुबह मैंने बनाई थी कटहल की तो पड़ी है, और रोटी बनाने वाली हूँ, चावल बनाने वाली हूँ और सलाद भी मैंने काट लिया है, मूली लाई थी मंडी से तो मूली काट के रख दी। बाकी अभी बन रही है दाल और आप लोग देख सकते हो पापा जी लाए थे रसगुल्ले, तो ये देख सकते हो आप एकदम रसगुल्ले वाले। तो खाओ आप लोग भी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है रसगुल्ले, तो मैं तो खा ही दी दो चार और खा लूँगी, कोई नहीं। और आज मैं हूँ बहुत खुश क्योंकि आज मम्मी पापा आए हैं, तो अभी लोग बैठे हैं बाहर और गप सप मार रहे हैं। तो चलो अभी मैं बना रही हूँ खाना और आप वो वीडियो में बने रहूँ, पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाएंगे आगे क्या आज होने वाला है। तो चलो जब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी बन गया है खाना और देखो ये देखो मेहमान लोग खाना खा रहे हैं, मेरे पापा जी यहाँ बैठे हैं, मम्मी जी वहाँ बैठे हैं और सासू माँ यहाँ बैठी है और सौम्य स्वानी ये बैठे हैं। तो हमने बनाई है रोटी और पालक दाल चावल और कटहल की सब्जी, तो एकदम मस्त। और आप लोग देख सकते हो खा रही हूँ मैं भी, अभी तो बन ही गया क्योंकि 2 बज गए हैं, लेट हो गए वैसे भी। तो गाइस अच्छा हो रहा है खाना? बढ़िया हो रहा है हेलो फ्रेंड, तो आ गए हम छत में फिर से और आप देख सकते हो यहाँ पे धूप कितनी तेज हो रखी है आज, और कपड़े अभी मैंने धो दिए और खाना वाना हो गया, बर्तन वगैरह धो दिए सर। तो आ गए हैं सारे छत पे और ये देख सकते हो आप लोग मम्मी लोग भी यहाँ बैठे हैं, और चलो बैठते हैं हम भी थोड़ी देर। बाकी आप यहाँ का मौसम देख सकते हो बहुत ये धूप, और सुबह धुंध हो रही थी तो मौसम को कोई पता नहीं है कब बदल रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है। तो ये देख सकते हो, चलो आप लोगों को दिखाते हैं, ये देखो कौन सा कितने अच्छे हमारे वो कौन से गेंदे के फूल होते, तो गेंदे के फूल हो गए हैं, ये मकान ये मम्मी जी ने लगा रखे हैं सारे, वो रखी थी आगे वाला बिक गया, दो तीन बात वही मेरा पसंद।
तो दोस्तों बन गई है चाय और बच गए हैं चार। तो चलो जा रही हूँ अभी छत में मैं, वो लोग छत पे बैठे हैं। तो अभी पापा जी भी सो रखे थे, मम्मी भी सो गई और थोड़ी देर हम धूप में बैठे थे, तो थोड़ी देर में चार बज गए। तो आ गई है गड़बड़ी सी चाय, तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो, वो देखो, सूर्यदेव भी जाने वाले हैं और आ गए हम चाय लेके। तो लो लो पापा जी, कोई सा भी ले लो, सारी फीकी है। गाय को बोल, लो भाई लाओ जी। गाय गायक नहीं यार, गाइज। अच्छा का तो बोलती है तू, क्या बोलती? गाइज, हेलो गाइज, हेलो दोस्तों। अरे बिस्कुटा तो सब धर आई के लोगों धर आई। हेलो दोस्तों, लो पापा गुड़ नमकीन भी दे दो। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो सूर्य देव अपने घर जाने वाले हैं और थोड़ी सी रह गए हैं, तो बाय बाय। और इधर बादल भी लग गए हैं और लग रहा है कि ना सुबह रे फिर से धुंध पड़ने वाली है। मैं तो आप तो यूट्यूब कर रही है, टूटा हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा, दो मंजिल तीन मंजिल ऐसा करके। वाह, जरूर बनाएंगे एक दिन। सब हो जाएगा समय के हिसाब से। क्यों मम्मी? आज ये फूट गया कॉलम देखो। मम्मी आप क्या बोलना चाहते हो, आप क्या बोलना चाहते हो इस बारे में? मेरी भी हाँ है। बिल्कुल वही पक्का। और मेरे डैडी जी अभी घूम रहे हैं और डैडी जी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बनना चाहिए। वही तो पापा भी कह रहे हैं, पर बहुत मुश्किल है। लेकिन आप कैसे कह रहे थे, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है और कभी मुमकिन होएगा। इधर से आप ऐसा कैसे कह रहे हो? जरूर एक दिन माता रानी हमें भी अपना आशीर्वाद देगी और बनाएगी हमारा घर भी, क्योंकि हम लोग बहुत चाहते हैं कि हमारा घर भी बने। तो ये देखो दोस्तों, अब ये लोग टहलते हैं, थोड़ा देर देखेंगे इधर उधर, क्योंकि आज दो तीन सालों बाद आए हमारे घर पे। तो देख सकते हो, तो ये लोग बोल रहे हैं कि तुम एक दो कमरे डाल लो, तो हम डाले कैसे, क्योंकि पैसे नहीं है तो कुछ नहीं है, और पैसा है तो सब कुछ है। गाइस देख सकते हो आप लोग, दीवारें हमारी इस तरह से डल चुकी हैं ऊपर तक, लेकिन आगे का काम नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, लेकिन हो जाएगा कभी ना कभी, कोई हमें कोई अफसोस नहीं है। घर होना बहुत ज़रूरी है, घर है बस बहुत खुशी है हमें रहने के लिए। हमारे लिए छत है तो काफ़ी अच्छा है, बस मैं तो यही सोचती हूँ। तो अभी चाय वाय भी पी ली हमने और अब दोस्तों बाकी चलो क्या देख रहे हैं, क्या रही देख रहे हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे बादल कैसे टूटा। तो समधी को टमाटर दिखाने के चक्कर में हमारा सरसों का पेड़ टूट गया है और समधी ने तो देखा नहीं। आ समधी तुम आओ, समधी तुम देखो वहाँ जाओ। हाँ देखिए, अरे टमाटर खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, तो चटनी बना बना के। कैसे भून लियो? भून के अच्छा चलो फिर आप इनको ऐसे भूनेंगे। तो ये तो अब ये लोग देख रहे हैं इधर उधर, तो ये देखो
उगला में आज निकाल के ना जब भी करो कर यहाँ से करो यहाँ से तो कमरे तो पूरा कमरा है ये कमरे में यार और सुहानी भी आ गई है छत भी पढ़ाई करी पक्का और क्या खा रहे हो आज तो रसगुल्ले की मौज हो रही तुम लोगों की वाह भाई वाह तो ये देख सकते हो आप लोग वाह शाम का टाइम कितना अच्छा मौसम हो रखा है मम्मी देखो तो गाइस अच्छी टी है और पापा जी हैं इधर खड़े पापा जी देख रहे हैं यहाँ से आगे मकान बन रहे हैं तो ये देख रहे हैं पापा जी और ये देख सकते हो आप ऊपर तो गाइस आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ यहीं पर एंड और आप लोग वीडियो देखो और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिले तो चलो अभी के लिए इतना ही और आगे कल के ब्लॉग में क्या होगा वो कल ही बताएंगे आप लोगों को तो चलो तब तक के लिए बाय बाय मिलते हैं अगले ब्लॉग में तो बाय बाय